हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है डिजाइन कॉन्सेप्ट्स एंड ट्रिक्स। तो बेसिकली आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंक्रीट कॉर्बल्स के बारे में। हाँ, कंक्रीट कॉर्बल्स के बारे में। अगर आप लोगों को पता नहीं कि कंक्रीट कॉर्बल्स होता क्या है तो ये वीडियो आप आखिर तक जरूर देखना। और अगर आप लोगों को इस वीडियो का जो कंटेंट है वो चाहिए तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां पर जाके आप उस कंटेंट को नोट डाउन कर सकते हैं और अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वाले वीडियो को। सबसे पहले कंक्रीट कॉर्बेल्स की डेफिनेशंस देख लेते हैं क्या होता है। कॉर्बेल इज अ शॉर्ट कैंटिलीवर प्रोजेक्शन विच सपोर्ट ए लोड बेरिंग मेंबर। ठीक है, देन कंक्रीट कॉर्बेल्स एंड ब्रैकेट्स इज अ रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर इज अ शॉर्ट हंज एंड कैंटिलीवर यूज्ड टू सपोर्ट दी रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम एलिमेंट। ठीक है, देन कॉर्बेल इज अ स्ट्रक्चरल एलिमेंट टू सपोर्ट द प्री कास्ट स्ट्रक्चरल सिस्टम दैट इज प्री कास्ट बीम एंड प्री स्ट्रेस्ड बीम। ठीक है, इट इज अ सपोर्ट मेंबर। कॉर्बेल इज अ सपोर्ट मेंबर। देन इन आर्किटेक्चर कॉर्बल इज ए स्ट्रक्चरल पीस ऑफ स्टोन वुड मेटल जटिंग फ्रॉम ए वॉल टू कैरी ए सुपरमेंटल वेट। देन द वर्ड ऑफ द कॉर्बल्स कम फ्रॉम द फ्रेंच एंड इट डिराइव्स फ्रॉम लैटिन कॉर्बल्स। अब इस इमेज में आप एग्जाम्पल देख सकते कि कॉर्बल्स दिखते कैसे और होते क्या है। अब बिहेवियर्स ऑफ कॉर्बल्स के बारे में देखेंगे। सबसे पहले फॉलोइंग आर द मेजर्स बिहेवियर्स आर शोन। फर्स्ट वन, द शेयर स्पैन अपॉन डेप्थ रेशियो इज लेस देन वन बिकॉज इट मेक्स कॉर्बल्स बिहेव इन टू डायमेंशनल मैनर। रेशियो शुड बी लेस देन वन। देन शेयर डिफॉर्मेशन इज सिग्निफिकेंट इन द कॉर्बल। ठीक है, देन देर इज अ लार्ज हॉरिजेंटल फोर्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द सपोर्टेड बीम रिजल्ट फ्रॉम द लॉन्ग टर्म ऑफ श्रिंकेज एंड क्रीप डिफॉर्मेशन। श्रिंकेज इफेक्ट एंड क्रीप डिफॉर्मेशन शुड बी ऑकर्ड। देन बेरिंग फेल्यूर ड्यू टू लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड लोड। ड्यू टू द लार्ज कॉन्सेंट्रेटेड लोड बेरिंग फेल्यूर विल बी ऑक्यर इन कॉर्बल्स। देन दी क्रैक्स आर यूजली वर्टिकल और इंक्लाइन प्योर। अब मोड्स ऑफ द फेल्योर्स देख लेते हैं फॉर दी कॉर्बल्स। सबसे पहले यील्डिंग ऑफ द टेंशन टाइज फर्स्ट फेल्योर। देन फेल्योर ऑफ द एंड एंकरेज ऑफ द टेंशन टाइज सेकेंड वन। एंड थर्ड वन इज द फेल्योर ऑफ कॉन्क्रीट बाय कॉम्प्रेशन और शेयरिंग बेरिंग ऑफ फेल्योर। ये तीन फेल्योर्स है। देन आपको दो चीजें याद रखनी पड़ेंगी कॉर्बेल्स के बारे में। सबसे पहले डिस्टेंस बिटवीन द लाइन ऑफ द रिएक्शन टू द सपोर्ट लोड एंड द रूट ऑफ द कॉर्बल्स इज लेस देन डी। एंड व्हाट इज डी? डी इज द इफेक्टिव डेप्थ ऑफ द रूट ऑफ द कॉर्बल्स। डी इज द इफेक्टिव डेप्थ। अब सेकंड पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा द डेप्थ एट आउटर एज ऑफ द कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ द सपोर्टेड लोड इज लेस देन वन एंड हाफ ऑफ द डेप्थ एट द रूट ऑफ द कॉर्बल। ठीक है, वन एंड हाफ डेप्थ एट द रूट ऑफ द कॉर्बल, ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी, ये दो चीजें। और ये जो इफेक्टिव डेप्थ है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं और साथ ही में ये कॉन्क्रीट कॉर्बल्स को कैसे डिजाइन करते हैं वो चीज हम अगली वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कीजिए और साथ ही में इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, अपने फेसबुक वॉल पे शेयर कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं। और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में उस बेल वाले आइकन को दबा दीजिए जिससे आपको हमारी आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है, चलो बाय।